ऑप्शंस है बाल काटने के लिए. लोग कैंडल यूज करते हैं, लोग रेजर यूज करते हैं, कभी मत यूज करो. अगर आप लोगों को सच्ची अच्छे बाल काटने हैं, इवन का बाल काटने हैं, हमारी ज्वेलरी, हमारी कैंची, नो कैंडल नो रेजर ओनली कैंची. हमारे देसी बाल लंबे हैं, इसका मतलब क्या कट, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप या सब जगह स्टेप, मतलब हमारे लेंथ की वजह से हमारे बाल फ्लैट नजर आते हैं. अब लोग क्या सोचते हैं इसकी स्टाइलिंग क्या है, फ्रिंज. मैं बोलता हूं यस, फ्रिंजेस हमारी स्टाइलिंग है, लेकिन फ्रिंजेस हमारी मर्ज होनी चाहिए कट के साथ में. मतलब ये ना हो कि ये सेपरेट है और ये सेपरेट है, नहीं तो क्या होगा कि हमारा कट बहुत बुरी शेप में ग्रो करने वाला. सो प्लीज फ्रिंजेस हैज टू मर्ज विद द रेस्ट ऑफ द हेयर. हमारा क्लाइंट हमारे पास क्यों आया है, बिकॉज के बालों में कोई इशू है, और हम लोग क्या बोलते हैं, इशू पे डिस्कस करते हैं. उससे क्या होता है कि हमारा क्लाइंट बन जाता है नेगेटिव. मेरा सोचना यह है कि उसके जैसे भी बाल हैं अच्छे बाल हैं और हमें उस पर काम करना चाहिए. जैसे आप ये वर्ड यूज करेंगे उसके बाल बहुत अच्छे हैं, क्लाइंट की सोच चेंज हो जाएगी. सो प्लीज कभी मत बोलो उसके बालों में कमी क्या है, उसको बोलो आपके बाल बहुत अच्छे हैं. आप देखेंगे उसके बाल अच्छे हो जाएंगे ना, 50% क्लाइंट आपको वैसे खुश होने वाला. सो प्लीज नेवर क्रिटिसाइज कि बाल खराब है, बाल अच्छे ही हैं उसके. हमारे इंडियन हमारे देसी बाल लंबे, इसका मतलब बालों में बहुत सारा वेट, इसका मतलब बाल हमारे फ्लैट हो जाते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं, बैक कॉमिंग करते हैं जो हमारे बालों को तोड़ता है. पता है इसका राइट आंसर क्या है, ये जो क्रिम्पिंग होती है ना, आप क्या करो दो लेयर के बीच में अगर क्रिम्पिंग लगाएंगे ना आपके बाल बाउंसी रहने वाले. तो प्लीज अवॉइड बैक कॉमिंग. ये जो क्रिम्पिंग है ना इसका नया यूज सीखते हैं, दो लेयर के बीच में एक जो एक या डेढ़ इंच का है वहां क्रिम्पिंग कर देंगे ना, जैसे ही लिफ्ट आएगा हमारे बालों में बाउंस आएगा. सो फ्रॉम टुडे नो बैक कॉमिंग, इज नॉट गुड फॉर हेयर. इंडियन समर या नॉर्थ इंडियन समर कितना मशहूर है, मतलब कितनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, एक्सट्रीम गर्मी होती है. इसका मतलब क्या होता है, हमें पसीना ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है हमारे बाल टूटते हैं, इसका मतलब क्या होता है हमारे बालों में डैंड्रफ होती है. हम लोग क्या क्या यूज नहीं करते, बट मैं बताऊं सबसे अच्छी चीज पता क्या है इस डैंड्रफ को या इस ऑयल को सुखाने की, मेहंदी या जिसको हम लोग कहते हैं. अगर आप लोग हर दूसरे हफ्ते मेहंदी लगाएंगे या सिर्फ 5 मिनट के लिए लगाएंगे ना, आपके बालों के अंदर बाउंस रहने वाला और आपका जो पसीना, आपका जो ऑयल होगा कंट्रोल रहने वाला. सो प्लीज ईस्ट एंड वेस्ट, आई थिंक हैना इज द बेस्ट. एक और नई हाइलाइटिंग बायस, पहले हमने निकाला लोटस हाइलाइटिंग, अब हम लोग शुरू करें एक नई और हाइलाइटिंग, इसका नाम है शेडिंग. मतलब ब्लीच हाइलाइटिंग करेंगे, और ब्लीच में क्या मिक्स करने वाले हैं, ब्लीच पाउडर किसी भी कंपनी का, उसमें थोड़ा तेल डालेंगे, उसमें डालेंगे 40 वॉल्यूम पेरोक्साइड, और बाद में वो जो ब्लीच है हम लोग लगाएंगे बालों के ऊपर और नीचे से ऊपर कोम करेंगे जस्ट वंस. फिर सेक्शन दिया कोम करेंगे वंस, बिकॉज हम सबको बालों के अंदर शेडिंग चाहिए लेकिन ब्लीच लुक नहीं चाहिए. उसका आंसर मैंने क्या निकाला, ब्लीच विद ऑयल, ताकि आपके बाल ड्राई नजर आने वाले नहीं और आपके बाल नजर आएंगे बहुत नेचुरल. सो प्लीज न्यू हाइलाइटिंग 2018 शेडिंग विद द ब्रश. जब भी हेयर कट होता है शेप आने में 5 मिनट लगते हैं, और प्लीज कभी भी मत सोचो कि आज मेरा कट अच्छा लगने वाला है, आज आप हेयर कट कराओ उसकी जो रियल शेप है वो आती है 1 हफ्ते के अंदर. मतलब जैसे नए कपड़े शेप लेते ना हमारी बॉडी की, ऐसी हमारे कटे वाले बाल लेते हैं 1 हफ्ता शेप आने के लिए. सो प्लीज एंजॉय योर कट आफ्टर 1 वीक. हम सब बालों के डॉक्टर, हम सब ब्यूटी एक्सपर्ट, मतलब हमारा काम करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए. पता नहीं किसने शुरू कर दिया बाल काटने का, आपका मुंह चल रहा है च्युइंगम के साथ, इसे पैक करने से. प्लीज जब भी शॉप में काम करते हैं च्युइंगम मत खाओ. आप खुद सोचो अगर आपके मुंह पे कोई च्युइंगम खा रहा है ऐसे मुंह खोल के, आपको कितना बुरा लगेगा. सो फ्रॉम टुडे अच्छे बाल काटो, अच्छे प्रोफेशनल बनो, नो च्युइंगम ऐसा.